लॉकडाउन के दौरान जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में लगे कर्मचारियों के साथ में पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार करने को लेकर कर्मचारियों में रोष नजर आ रहा है। वहीं जरूरतमंद लोगों को खाना वितरण कर रहे कर्मचारियों से पुलिस के द्वारा मारपीट करने का एक और मामला सामने आया। आपको बता दें कि दिल्ली रोड स्थित चुंगी नाके पर खाना वितरण करने वाली गाड़ी के ड्राइवर के साथ में पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया और यही नहीं कलेक्ट्रेट में लगे हुए कर्मचारी के साथ मारपीट भी की। इसको लेकर अब कर्मचारियों ने खाना वितरण करने से मना कर दिया है, साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने और साथ ही में कर्मचारियों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। लगातार कोविड जो महामारी फैली है इसके लिए जिला प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी लामबंद होकर जनता की सेवा कर रहा है, खाना बांट रहा है, लेकिन छिटपुट घटनाएं लगातार मेरे संज्ञान में आई है। हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस वालों द्वारा हमारे स्टाफ को अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। जिन गाड़ी के पासेज इशू हुए जिला प्रशासन द्वारा उन गाड़ी के पासेज को भी सीज किया जा रहा है और आज पिछले दो तीन दिनों से ये ध्यान में आया है कर्मचारियों के ऊपर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। आज भी हमारे एक कर्मचारी के साथ में अपने खोले के हनुमान जी के पास है चुंगी नाके के ऊपर मारपीट करी है, उसके हाथ में लगी है, उसके जांघ के ऊपर ले आई है। तो अब हमने निर्णय लिया है कि लगातार पुलिस जो ये व्यवहार कर रही है, हमें नहीं चाहते हुए भी इस महामारी के अंदर मजबूर होकर जो फूड सप्लाई, जो हम रेडी फूड सप्लाई जो जनता को दे रहे वो हमने अभी से बंद कर दिया है। और हमारी मांग है जब तक उस पुलिसकर्मी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड की कार्रवाई नहीं होती है और उसके खिलाफ जांच की कार्रवाई के आदेश हम तक नहीं पहुंचते तब तक रेडी फूड सप्लाई का, ये भोजन वितरण का काम है, इसका बहिष्कार कर रहे हैं। डेली मुझे कलेक्टर से खाना वितरण के लिए लगाया गया है। मैं डेली अक्षय पात्र खाना भर के और गाड़ी हमारे जैसे तीन पॉइंट्स हैं, ईदगाह, बांस की पुलिया और जयसिंहपुरा खोर, तो हम गाड़ी लोड करके वहां से जा रहे थे तो हमारे चुंगी पे जैसे जो सर्किल पड़ती है वहां पे जो नाका है पुलिस चौकी नाका वहाँ पर गाड़ी रोक ली। जैसे मनोज जी सर हमारे साथ में जाते हैं, उनका वो है खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, कलेक्ट्रेट के आदमी लगे हुए हैं, इनके आने के लिए हमने कहा सर वो रामगढ़ रोड पे उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है पुलिस वालों को, तो गाड़ी उधर ले ले, उन्होंने उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तू तड़ाके से बात की उन्होंने और व्यवहार किया। ड्राइवर ने बोला सर, तो ड्राइवर से गाली गलौज की उन्होंने और ड्राइवर की गाड़ी की चाबी निकाल के फेंक दी। मैं चाबी ला के और उनको दिया हाथ में, जैसे मैं दिखाने हाथ ही दिया था इतनी देर में, तो मेरे हाथ और यहाँ पे जोर से मार दी खींच के। नाइट में कलेक्ट्रेट में क्या हो रहा है, क्या करते हो तुम? मीन भाई देखो मेरा पास देख लो, मेरा गाड़ी में डैशबोर्ड पर मेरा पास पड़ा था, वो भी मैंने दिखा दिया था, प्रिंट आउट निकला हुआ, लेकिन वो बोलते हैं कि हम ऐसे पासों को कुछ नहीं मानते और ऐसे पासों के तो हमने बहुत सारी गाड़ियां जब्त कर दी और ज़्यादा आप करते हो तो दो मिनट में गाड़ी बुलाते हैं अभी और आपकी भी गाड़ी बंद करते हैं और आपको भी थाने में बंद करते हैं। महंगे साहब मैं एडिशनल कलेक्टर साहब का पीए हूँ, मेरी बात तो समझो, आप समझने की कोशिश करो। बोले कि क्या होता है एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर, हम कुछ नहीं समझते, इस तरीके से मेरे से बदतमीजी की और दूसरे पुलिसकर्मी ने दूसरे से डंडा लेके और मेरे पे डंडा भी देने को तैयार हो गए थे। तब रात के साढ़े बारह पौन बज रहे थे, मैं अकेला था तो मैं क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं ही नरम पड़ के और मैं निकल गया था, नहीं तो थोड़ा बहुत मैं यदि उनसे आर्ग्यूमेंट करता तो शायद मैं भी पिटता। फिलहाल रुक रहे।